इस वीडियो में आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज के लॉग लगा हुआ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 9% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्षों में 1000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले दिया है। लघु 1.09 इक्वल टू 0.0374 और लघु 2810 इक्वल टू 3.4488। प्रश्नों को हल करते हैं। दिया है मूलधन 1000 रुपया, दर आर इजकल टू 9%, समय टी इजकल टू एन इजकल टू 12 वर्ष और मिश्रधन ए इक्वल टू निकालना है। सूत्र से ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी वन प्लस आर बाय 100 पावर एन, इसको पी इक्वल टू 1000, वन प्लस 9/100 पावर 12, इसको हम लिख सकते हैं 1000 और ये पूरा को 1.09 लिख सकते हैं पावर 12। इसलिए लॉग लगा देते हैं, लॉग ए इक्वल टू लॉग 1000 प्लस 12 लॉग 1.09, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 3 प्लस 12 इंटू 0.03374, ये इक्वल टू हो जाएगा 3.3 प्लस 0.4488 जो कि दिया है, इतना बराबर इतना, तो ये 3 प्लस 12 इंटू 0.0374 3 प्लस 0.4488 हो गया। अब इसको लॉग 2810 लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू, इसलिए ये इक्वल टू आ गया 2810। अतः चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू
ये माइनस पी होता है, ये का मान 2810 और पी का मान दिया है 1000। ये हो गया 1810 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आंसर। दूसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कितने मूलधन का 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्ष में मिश्रधन 100 रुपया हो जाएगा। दिया है कि लॉग 106 = 2.0253059 और लॉग 4969 = 4.6963292। प्रश्नों को हल करते हैं। दिया है मिश्रधन 100 रुपया, यहाँ 1000 रुपया होगा, 1000 रुपया। अवधि संख्या n = 12 वर्ष। दर r = 6%, मूलधन p = निकालना है, कुछ नहीं दिया है, इसलिए फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं a = p × 1+r/100n। ये फॉर्मूला है, इसमें मिश्रधन ये दिया है 1000 और p नहीं दिया है, 1+r का मान 6 दिया है, बाय 100 और ये 12n बराबर। ये लॉग 1000 = ये इसे इधर और एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसको लॉसा करते तो 106/100 होता है और ये पी और ये 20, ये 12 उसका पावर है, इसको इधर कर दिए शॉर्ट में लॉसा, इसमें लॉग लगा लिए 1000, लॉग 1000, ये हो गया मिश्रधन और ये 12 लॉग 106 - लॉग 100+ लॉग पी, ये 12 इधर आ गया और लॉग 106 और लॉग माइनस 100 और ये पी लॉग लग गया। यह 3 = 12 और ये लॉग 106 = दिया है इतना मान 2.0253059 और माइनस ये हो गया 2।
प्लस लॉग पी। अब समीकरण को इधर लाए तो लॉग पी इजकल टू ये थ्री और ये माइनस हो गया 12 इंटू 0.025 30 59 ये हो गया। इधर माइनस हो गया इधर आया तो ये हो गया 3 - 0.3 30 36 और 7 0.8। ये 3 इतना गुना करके घटाते हैं तो ये आ जाता है 2.69 2.69 63 2.92। ये 3 में इतना घटाए तो इतना है। अब लॉग पी इक्वल टू ये दिया है लॉग इतना बराबर इतना लॉग पी इक्वल टू हो गया लॉग 4.96.97 क्योंकि दिया है कि लॉग 4.96.97 इक्वल टू 4.69 4.69 63 2.92। इसलिए लॉग 4.96.97 इक्वल टू 2.69 63 2.92 ये दिया है। इतना बराबर इतना दिया है तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब ये दोनों लॉग हट जाएगा तो इसीलिए पी इक्वल टू 4.96.97 ये हो गया मूलधन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 4 लाख थी और प्रति वर्ष के अंत में वह 5% की दर से बढ़ने लगती है, 3 वर्ष में उसकी जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी? हल करते हैं प्रश्न में दिया है। मूलधन पी मानते हैं पी बराबर वर्तमान जनसंख्या दिया है 4 लाख और दर आर इज इक्वल टू 5% समय टी इक्वल टू एन इक्वल टू 3 वर्ष इसलिए 3 वर्ष के बाद जनसंख्या
यानी ये जनसंख्या जो है 3 वर्ष के बाद ये मिश्र धन के रूप में ये होगा बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। तो ए इक्वल टू पी का मान दिया है 400,000, 1, 2, 3, 4, 5, 0 और 1 प्लस R का मान दिया है 5/100 ये 3 वर्ष। इसको 0,4,000 और ये काट देते हैं 20 हो जाएगा यानी 21/20 लॉस आ ये 3 हो गया। अब इसको लिखते हैं ये इक्वल टू 400,000 × 21/20 × 21/20 × 20। इसको 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 1, 2, 3 कट गया 3 0। फिर इसको 2 को काटते हैं तो 2 हुआ। फिर ये 2 को काटते हैं तो 100 हो गया। फिर ये 2 को काटते हैं तो 50 हो जाएगा। ये 50 × 21 × 21 × 21। इसको गुना करेंगे 463,050 होगा ये। अब 3 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि 3 वर्ष के बाद तो ये होता है जनसंख्या 3 वर्ष के बाद वृद्धि। चार लाख 63,050 − 400,000 इसको घटाएंगे तो ये होगा 63,050 3 वर्ष में के बाद ये वृद्धि होगा जनसंख्या। ये आंसर हो गया।